जम्मू पे आने वाले जम्मू बाहर निकालो देश के कत्तारों को गोली मारो सालों को 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 बाहर निकालो बाहर निकालो किसी तस्वीरें आपको बताओ कि राष्ट्रीय उसके विरोध लगातार प्रदर्शन जो है वो जम्मू में देखने को मिल रहा है। इस सूचना हफ्ते के बाद बाहर निकालो हम बात करें देश के जम्मू पे आने वाले मेरे साथ इस समय राकेश बजरंगी है बातचीत करने के लिए। और कल हुए आतंकी हमले के बाद आज जम्मू के अंदर प्रदर्शन किया है और उनकी मांग ये है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को और वहां पर उनके जो समर्थक हैं उनको जो है भारत सरकार जो है करारा जवाब दे। राकेश जी किस तरह से देखते हैं कि उस इलाके के अंदर दो आतंकियों का घुसना और उससे दो दिन बाद देश के प्रधानमंत्री का दौरा कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी थी ये। अगर हमारी एजेंसियां हमारी सेना हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारी पुलिस सतर्क नहीं होती तो ना जाने कितना बड़ा नुकसान जो है हमारे जम्मू को आज झेलना पड़ता। लेकिन इनकी सतर्कता के कारण मैं अप्रिशिएट करूंगा सभी को कि इनकी सतर्कता के कारण आज जम्मू जो है वो सेफ है। हो सकता था ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में इनका कुछ करने का प्रोग्राम होता, हो सकता है कि यहाँ पर कोई बड़ी वारदात करने का इनका प्रोग्राम होता, लेकिन हमारी सेना पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक पाकिस्तान को सबक दे दिया कि जब जब आप इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का काम करेंगे उनका हर्ष ये होगा, आपके ये आतंकवादी इसी प्रकार से मारे जाएंगे और इनको जो है जन्नुम की सैर हमारी सेना करवाएगी और इनकी इनको जन्नुम के भेजने का और इनको 72 हूरों के पास भेजने का काम हमारी सेना लगातार जो है वो कश्मीर के अंदर भी कर रही है। जम्मू के अंदर हमारे लोग भी सतर्क हैं, केवल ये सुंजवा बटिंडी के एरिया को छोड़कर, क्योंकि इस इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए हैं। 2018 में भी वहाँ पर आतंकी हमला हुआ, वो भी फैजदीन हमला था जिसके अंदर हमारे सेना के 6 जवान शहीद हुए, 4 आतंकवादियों को हमारी सेना ने 72 हूरों के पास भेजा। लेकिन उस समय भी हमने लगातार प्रदर्शन करके ये कहा था कि इन रोहिंग्यों को बाहर निकालने का काम जो है वो सेना करे, हमारी सरकार करे, हमारी पुलिस करे। लिस्टें बनाई गई, हमें ये कहा गया कि इनकी लिस्टें तैयार हैं, जल्द ही इनको बाहर निकाला जाएगा। 4 वर्ष हो जाने के बाद भी आज तक भी वो रोहिंग्या बांग्लादेशी वहीं हैं, जो लैंड ग्रैबर हैं वहाँ के, वो आज भी 10-10 20-20 50-50 कनाल में इन रोहिंग्यों को बसाए बैठे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? कहाँ से उन्होंने ये जमीनें हड़पी है? कौन से, क्या वो इरिगेशन की है, क्या वो
स्टैंड लेने हैं बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ राकेश बजरंगी थे जो बातचीत कर रहे थे। वह इस आतंकी हमले के बाद आज जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट किया गया है और एक बड़ा प्रदर्शन जो है राष्ट्रीय बजरंगी दल का देखने को मिला है और सरकार से मांग की जा रही है कि इन रोहिंग्यास को जो है यहाँ से निकाला जाए और केंद्र सरकार से एक बार फिर से अपील की गई है। तब तक लिए आप बने रहे JK247 के कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद।